जय हिंद। आज के इस वीडियो में करेंट अफेयर्स 2020 के 16 से 31 अक्टूबर के बीच बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स को लिया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में 1 से 15 अक्टूबर के बीच बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें और इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में सबसे शक्तिशाली देशों में भारत की रैंक कौन सी है। देखिए, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में सबसे शक्तिशाली देशों का रैंक निकाला गया है, उसमें भारत का जो स्थान है चौथा है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का स्थान जो है चौथा है और इसमें फर्स्ट रैंक जो है यूएसए अमेरिका का फर्स्ट रैंक मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो राइट आंसर है सैमसंग। सैमसंग कंपनी ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और ये सैमसंग जो है साउथ कोरिया का कंपनी है। साउथ कोरिया का जो कैपिटल है सियोल है और उसका जो करेंसी है वॉन है। और ये चीज याद रखिएगा, साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति है वो मून जे इन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैंक संघ IBA के नए चेयरमैन कौन बने हैं। राइट आंसर है राज किरण राय। राज किरण राय को IBA का नया चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल में मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। राइट आंसर है ओम बिरला। ओम बिरला ने ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे। और ओम बिरला जो है भारत के लोकसभा अध्यक्ष है और ये 17वें लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन SCO की 19वीं बैठक की मेजबानी किसने की। राइट आंसर है भारत। SCO संघाई सहयोग संगठन इसका मुख्यालय जो है चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। राइट आंसर है रोहित शर्मा। डॉक्टर ट्रस्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है रोहित शर्मा को बनाया है। नेक्स्ट देखिएगा, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। राइट आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शहर के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन किया गया है। राइट आंसर है नोएडा। नोएडा के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता कहां शुरू किया गया है। राइट आंसर है इंदौर। याद रखिएगा, प्लास्टिक प्रीमियर लीग इंदौर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए के स्मारक सिक्का जारी किया है। राइट आंसर है 75 रुपए का। और इससे पहले वाला वीडियो में हम बताए थे कि 100 रुपए का सिक्का जारी किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो विजया राजे सिंधिया के सम्मान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है। राइट आंसर है 94वां स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है। राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश की पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया है। राइट आंसर है न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। और न्यूजीलैंड का जो पीएम है जैकिंडा आर्डन है, जो दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है। राइट आंसर है अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा को गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोलैंड के एक चौराहे का नाम किसके नाम पर रखा गया है। राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन।